शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश का चीनी उत्पादन 2021-22 के विपणन वर्ष में 15 फरवरी तक 6% बढ़कर 220.91 लाख टन पर पहुंच गया है। इससे पिछले साल की समान अवधि में चीनी उत्पादन 209.11 लाख टन रहा था। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है। इस्मा का कहना है कि चीनी निर्यात जनवरी तक 3 गुना होकर 31.5 लाख टन पर पहुंच गया। संगठन ने यह भी कहा कि इस अवधि में महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन बढ़कर 86.15 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 75.46 लाख टन हुआ करता था। वहीं उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 65.13 लाख टन से घटकर 59.32 लाख टन रह गया। कर्नाटक में उत्पादन बढ़कर 44.85 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 39.07 लाख टन था। इस्मा ने बताया कि अभी तक करीब 50 लाख टन चीनी निर्यात के अनुबंध हो चुके हैं। इसमें से 31.50 लाख टन चीनी का 31 जनवरी तक निर्यात हो चुका है। एक साल पहले की समान अवधि में चीनी निर्यात 9.20 लाख टन रहा था। करीब 8 लाख टन चीनी का निर्यात इस महीने होना है। इस्मा ने कहा है कि एथेनॉल की बात की जाए तो पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने चौथे चक्र में 95 करोड़ लीटर की मांग दी थी। इसमें से आपूर्तिकर्ता 39 करोड़ लीटर एथेनॉल की पेशकश कर चुके हैं। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।